बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास 6 पार्ट दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, 6 पार्ट, इनमें से हमने बेस और एक्सपोनेंट को अलग-अलग राइट करना है, लिखना है जी। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ का पार्ट है 16x³। ये कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले मेरा इससे जो पहले वाली थीरी है, जो डेफिनेशंस हैं, जो लाज हैं, वो आपने लाजमी देखने हैं, तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जी। यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 16x³। यहाँ पर ये जो x है ये इसका क्या है जी, बेस है इसकी। ये x इधर क्या है जी, बेस है ये x। और एक्सपोनेंट में बता चुका हूँ, पावर भी होती है इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या है जी, इधर 3। इसी तरह नेक्स्ट लिख लेते हैं जी, एक्स रेज टू पावर 9। यहाँ पर एक्स जो है वो इसका बेस, इसकी बेस है, और यहाँ पर ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, ये 9 है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं जी, थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास जो बेस है वो ये सारी के सारी 4y, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है 3। तो मैं इधर लिखूँगा 4y 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट फोर पार्ट जो है x-2 होल पावर 3। तो ये सारे का सारा इसका बेस, इसकी बेस है x-2। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो 3 है ये इसकी पावर भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बाद दफ़ा डिग्री भी बोल लेते हैं इसको। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 18x⁵, 18x⁵। तो यहाँ पर देखें बेस इसकी है x, और यहाँ पर जो है 18, अगर आप ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये इसको कोफिशेंट बोलते हैं उर्दू में, देखें तो अदरी सर बोलते हैं। तो ये इसका बेस है, इसका एहसास है, और ये उसकी पावर जो नज़र आ रही है इसका एक्सपोनेंट है। तो वो क्या है जी, 5 है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका जो एक लास्ट पार्ट है जी हमारे पास वो क्या है जी, 5x⁴/2 मल्टीप्लाई x⁻¹/2। तो यहाँ पर हम बेस की बात करें तो हमें सिर्फ x x नज़र आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद अगर सॉल्व करके देख लूँ, फ़र्द कर लेते हैं, मैं इसके सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 5 ऐसे आएगा, इधर भी x, इधर भी x है, x सेम एक दफ़ा लिख लेंगे, हमने ला पढ़ा था, और पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, +1/2। यहाँ पर 5x, देखें इधर भी 2, इधर भी 2, इसका एलसीएम लिया जाता है, तो फ्रैक्शन आ जाए बीच में, प्लस माइनस का साइन आ जाए, तो वो क्या होता है, उसका एलसीएम करते हैं। तो इधर भी 2, इधर भी 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। तो यहाँ पर आ गया 5⁴, 3+1 4/2। तो यहाँ 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये फाइनल जो हमारे पास आ गया x⁻²। तो यहाँ हमें एक्सपोनेंट क्या, हमारे पास जो बेस है वो क्या नज़र आ रहा है, x, वो तो पहले पता था इधर x है तो इसकी बेस x ही होनी है। ठीक हो गया। और एक्सपोनेंट की बात करें तो वो उसकी जो हमने सॉल्व करने के बाद देखा तो वो 2 आया है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है जी, 2 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।